यह मूवी रोमांस और अफेयर से भरी है क्योंकि इस मूवी में सकोरा का पति किसी गैर औरत के साथ शारीरिक संबंध है, पर सकोरा को इस बात की जरा भी भनक नहीं है और सकोरा का पति उससे जलिस फील करता है और उसे छोटी छोटी बात पर मारता है। इसी बीच सकोरा को गोल्डफिश ओनर से प्यार हो जाता है। आगे क्या क्या होता है हम जानेंगे इस मूवी के एक्सप्लेन में, तो चलिए बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करके मूवी मनोरंजन मजे से देखते हैं। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। फिशबाउल मूवी के स्टार्ट में सकोरा का पति किसी गैर औरत के साथ बाथरूम में इंटीमेट हो रहा है। आज सकोरा का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए कई गेस्ट आए हैं और तैयारी भी काफी अच्छी है। यह पार्टी सकोरा के घर पर ही होती है और इधर सकोरा का पति किसी औरत के साथ मजे ले रहा है। सकोरा अपने बर्थडे पार्टी में लेट है। सकोरा अपने साथ लाए गिफ्ट को गेस्ट में देने के लिए कहती है। तभी सकोरा की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो उन्हें अपने साथ खाने के लिए कहती है। दूसरे सीन में सकोरा का पति उस औरत से कहता है बीवी वह चीज है जो उसका पति उसके लिए कम मरता है, और वह औरत कहती है आज तुम्हारे बीवी का बर्थडे पार्टी है और ये बताओ मर्द किस पर ज्यादा मरता है। सकोरा का पति कहता है दूसरे की बीवी पर और उसे किस करने लगता है। दूसरे सीन में सकोरा एक औरत से इंट्रोड्यूस करवाती है जो वह औरत फैशन डिजाइनर है। बाकी सभी औरत एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करती हैं। फैशन डिजाइनर लेडीज कहते हैं आप हमसे प्राइवेट लाइफ के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं और इसी बिल्डिंग में मैं 33वें फ्लोर पर रहती हूँ, आप किसी भी समय आकर कंसल्ट कर सकते हैं। उसी समय एक लेडी कहती है मुझे बच्चा पैदा करना है। वह लेडी कहती है अगर आपने दादी के वैवाहिक जीवन में सुधार करना चाहती हो तो आप अपने साथ गोल्डफिश रख सकती हो, इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, या फिर किसी गैर मर्द के साथ आपसी संबंध रख सकती हो, ऐसा तो पुरुष और महिला दोनों करते हैं। तभी वहाँ पर सकोरा के पति का लवर आती है और जो कहती है एक मर्द के साथ सोने के लिए वजह भी तो होनी चाहिए, वैसे भी तो हम औरतों को भी कुछ अरमान होते हैं। यह औरत सजेस्ट करती है जब हम पैदा होते हैं तो हमारी आत्मा दो हिस्सों में बढ़ जाती है, वो जो दूसरा हिस्सा होता है वही हमारे ट्विन रे होती है जो अक्सर हमारे जीवन साथी होते हैं। दूसरी औरत कहती है हाउ टू रोमांस, अगर तुम ढूंढ पाए तो जरूर, क्या किसी को सक्सेस मिली। तभी सकोरा कहती है हाँ मुझे मिल गई। सकोरा अपने पति के लवर से कहती है आपके पति इमेजिंग है, वह किसी अफेयर के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब दूसरे सीन में सकोरा का हस्बैंड उसे लेकर सभी आए गेस्ट को इन्वाइट हुए पार्टी में बधाई देता है और अपने सैलून को प्रमोट भी करता है। अब सकोरा घर पर होती है, उसका हस्बैंड मैसेज करता है। सकोरा यह फोटो देखती है और अपने पति के पास जाती है। उसका पति कहता है यह फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दो, वह कहती है हमने शेयर कर दिया। दूसरे सीन में सकोरा पानी के बोट को नोटिस करती है, वह अपने पति के साथ होती है। उसका पति कहता है तुम सैलून संभालने की कोशिश कर सकती हो, ऐसा उसका भ्रम होता है। सकोरा एक शॉप पर गोल्डफिश को देखने के लिए आई होती है, वह बैठ कर गोल्डफिश को देख रही होती है। तभी शॉप ओनर पानी से पौधे को छिड़काव कर रहा होता है, वह उसी दौरान पानी से भीग जाती है। सकोरा कहती है रुको रुको, शॉप ओनर कहता है आई एम सॉरी। वह नीचे आता है और उसे पोंछने के लिए कपड़ा देखता है। सकोरा शॉप के अंदर आती है, वह देखती है शॉप के अंदर बहुत सी मछली होती हैं जो सिर्फ गोल्डफिश होती हैं। वह कहती है इतनी गोल्डफिश है उम्मीद ही नहीं थी। सकोरा पूछती है वह कौन सी मछली है, वह कहता है सकोरा गोल्डफिश, वह बहुत अच्छी होती है और इनकी देखभाल करने के लिए काफी जरूरत होती है। सकोरा कहती है यह मछली गोल्डफिश मुझे चाहिए, उसका नाम एक जैसे है इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। शॉप ओनर कहता है तुम्हारा भी नाम सकोरा है। तभी सकोरा का मैसेज आता है, सकोरा मैसेज पढ़ती है और कहती है मुझे अब चलना चाहिए और मैं पास वाली बिल्डिंग में रहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बात करने के बाद इसे यहाँ से लेकर जाऊंगी। सकोरा घर पर आ जाती है, कहती है मैं आ गई। उसका पति यहाँ से जाने लगता है। तभी सकोरा कहती है मुझे कुछ पूछना है, मुझे एक गोल्डफिश लानी है, क्या मैं ला सकती हूँ। सकोरा का हस्बैंड कहता है जैसे तुम्हारी इच्छा हो। वह वहाँ से सोने चला जाता है। दूसरे सीन में सकोरा गोल्डफिश लेने के लिए वही शॉप फिर से आ जाती है, तो शॉप ओनर का फोन आता है, वह फोन पर बात करता है। तभी शॉप में कुछ और लोग आ जाते हैं। सकोरा कहती है मदद चाहिए, वह कहता है क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है। सकोरा इंग्लिश में बात करती है। शॉप ओनर कहता है मदद करने के लिए धन्यवाद। सकोरा कहती है धन्यवाद तो मुझे
निकलना चाहिए क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड का सैलून चलाने के लिए मैं कस्टमर से बात नहीं कर पाती, और आज मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा और पहली बार एहसास हुआ कि मैंने कोई काम किया। सकोरा कहती है अब मुझे चलना चाहिए। शॉप ओनर कहता है तुम जरूर यहाँ पर आना। सकोरा गोल्डफिश को घर पर लेकर आती है, उसे एक कांच के बर्तन में रख देती है। उसका पति कहता है यह क्या है। सकोरा कहती है सकोरा गोल्डफिश है, और उसका पति कहता है इसे तुरंत वापस करके आओ, तुमने तो ही कहा था। वह कहता है आखिर तुम करना क्या चाहती हो। उसका पति कहता है क्या तुम फिर से सैलून में काम करना चाहती हो, इन हाथों से वो मुश्किल होगा। सकोरा कहती है जानती हूँ। उसका पति कहता है मेरे स्टाफ को फुसलाने की जरा भी कोशिश मत करना। सकोरा कभी नहीं और ऐसा सोच भी नहीं सकी। उसका पति गुस्से में आकर गोल्डफिश के बर्तन को उठाकर नीचे फेंक देता है। गोल्डफिश सकोरा तड़पने लगती है, वह उसे मारने के लिए जाता है। सकोरा उसे बचा लेती है। उसका पति वहां से चला जाता है। सकोरा गोल्डफिश को लेकर शॉप ओनर के पास जाती है, कहती है इसका कुछ स्केल्स उतर गई हैं, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। शॉप ओनर कहता है इसे कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगी, और इसे पानी में डाल देता है। शॉप ओनर सकोरा के हाथ में लगी चोट को बैंडेज करता है और कहता है इंसानों को भी देखभाल की अधिक जरूरत होती है। सकोरा उसे थैंक यू कहती है। सकोरा अब घर पर वापस आ जाती है। उसका पति उसके लिए कई प्रकार का खाना टेबल पर लगाया होता है। उसका पति कहता है गोल्डफिश वापस कर दिया। हाँ ये बताओ गोल्डफिश वापस करने में इतना टाइम कैसे लग गया। और जहाँ तक सैलून की बात है तो मैं नैन को सैलून का नया मैनेजर बना दिया। सकोरा कहती है जरा रुको। उसका हस्बैंड कहता है मैं पैसे लगा रहा हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। सकोरा कहती है मैं सैलून में काम करना चाहती हूँ, कभी नहीं, यह कैसे सोच सकती हो। सकोरा कहती है छोटा मोटा काम कर सकती हूँ, कस्टमर से बात ही करना चाहती हूँ। उसका पति उसे मारता है और कहता है मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, तुम मानती क्यों नहीं हो, आई लव यू, और उसे किस करने के लिए जाता है। लेकिन सकोरा इग्नोर कर देती है और उसे धक्का दे देती है, वह नीचे गिर जाती है। सकोरा का पति कहता है तुम माँ नहीं बन सकती, दीवाल नहीं काट सकती, तू मेरे बिना एक नाली का कीड़े के समान है। सकोरा गोल्डफिश के टायर को लेती है और अपने पति को गिरा देती है और कहती है तुम गलत हो। सकोरा कहती है मैं नाली का कीड़ा नहीं हूँ, और सकोरा लिफ्ट की तरफ भागती है और उसका पति भी उसके पीछे होता है। सकोरा लिफ्ट का विंडो बंद कर देती है। सकोरा भाग कर जाती है। अब बारिश तेज हो रही है, वह गिर जाती है, गोल्डफिश को देखने लगती है। सकोरा बैठ जाती है, वहाँ पर गोल्डफिश सॉफ्ट होना रहता है, सकोरा को गले लगा लेता है। सकोरा का पति तेरे पास वैसे भी कोई ठिकाना नहीं है। सॉफ्ट होना सकोरा को घर लेकर वापस आता है और उसे नहलाता है। सकोरा कहती है मैं जलती थी गोल्डफिश से, फिर भी चाहती थी गोल्डफिश से कैसे प्यार करूं। सॉफ्ट होना कहता है तुम यहाँ रह सकती हो जब तक तुम्हारा यहाँ मन करे। दोनों किस करने लगते हैं और साथ में इंटीमेट होते हैं। यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।